हेलो दोस्तों, मैं हूं हरमन और आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ। बताना चाहूंगा कि आज हमारा पहला दिन है कुआलालंपुर में और हम लोग अभी जा रहे हैं ट्विन टावर देखने के लिए। अभी हम लोग बस रेडी हो चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 11 बज चुके हैं। यहाँ पे बस निकलने जा रहे हैं यहाँ से होटल से बाहर। सो बताते हैं गुरुद्वारा साहब पहुंच चुके हैं। नमस्कार करने के बाद अभी हम लोग लंगर खा रहे हैं। लंगर खाने के बाद में फिर हम लोग अभी जर्नी करते हैं। सो अभी मैं गुरुद्वारा साहब के सामने हूं और क्योंकि मैं पंजाबी हूं तो पंजाबी भाइयों के साथ मेल हुआ, मिले उनसे और उनके साथ बहुत सारे अपने उन्होंने अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा मिलकर सभी से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब से आगे ट्विन टावर्स की ओर। दोस्तों, हमारा जो होटल है वो होटल के बिल्कुल आसपास ही ट्विन टावर्स है और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की बजाय हम लोग पैदल जा रहे हैं और शहर भी ढूंढ रहे हैं और ये शहर के अब आसपास में ऑलमोस्ट पहुंच गए हूँ और ट्विन टावर्स मेरे बिल्कुल नज़दीक में ही है। उस साइड है ट्विन टावर्स, वो रहे हैं जो पीछे आप देख रहे हैं वो वहाँ पे टावर है। मुझे तो हम लोग की एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही थी और हम लोग ने यहाँ पे कुछ अमरूद लिए हैं, कटे हुए अमरूद यहाँ पे इन्होंने पैकेट्स में दिए हैं, 2 रिंगिट्स के हैं कटे हुए अमरूद और बहुत अच्छे हैं, ठंडे हैं, बर्फ के अंदर इन्होंने लगा के रखे हुए थे और स्वाद भी इनका अच्छा है। मतलब इंडियन अमरूद जैसा तो नहीं है लेकिन ठीक है, लुक सही है। तो हम लोग यहाँ पे एक मॉल में आए हैं, द वर्ल्ड नाम का एक मॉल है और इधर हमें एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त मिला है। योर नेम दोस्त? फ्रेंड भैया, सॉरी भैया, से हाय टू माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। I live from India. Check out our app. Yeah. Did you open up for just a minute? Give it to me. Right. इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है और ये ऐप आप लोग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनकी ऐप है, आप देख लीजिए। और ये iOS और गूगल पे दोनों पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू। ये भी बहुत क्यूट है, से हाय। तो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं और इनसे बहुत बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बात की हमारे साथ और जब इनको पता चला कि हम लोग इंडिया से आए हैं और वीडियोस बना रहे हैं मलेशिया टूरिज्म के ऊपर तो ये बहुत खुश हुए। It's...
और यहाँ पे चकली भी मिलती है. इन्होंने चकली और बनाना के जो बनाए हुए हैं, ये साउथ इंडियन फूड है, राइट? तो ये साउथ इंडियन फूड है और साउथ इंडियन जो स्नैक्स रहते हैं ये वो इन्होंने यहाँ पे सेल के लिए लगाए हुए हैं. बिस्किट्स हैं और यहाँ पे क्रैब फिंगर्स, जैपनीज भी हैं, ये उनके घर के चिप्स हैं. चिप्स तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा एक दो चीज़ें. तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट ट्विन टावर के पास में आ चुके हैं. ये देखिए यहाँ का व्यू, ये है ट्विन टावर. मलेशिया की बहुत ही नामी बिल्डिंग है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं. चुके हैं यहाँ पे एक मॉल है, रमली मॉल, जो कि ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में है. और पहले ये मॉल देखेंगे, मॉल के अंदर थोड़ा जो गर्मी वगैरह आ रखी है, पसीना आ रखा है, उसको सुखाएंगे और उसके बाद में हम लोग फिर ट्विन टावर से. अगर आपने मलेशिया घूमने आना है तो यहाँ पे ट्विन टावर्स ज़रूर आइए, क्योंकि ये ट्विन टावर्स यहाँ की बहुत फेमस जगह है. ये देखिए तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है और ये बारिश आने की हमें संकेत दे रहा है. ये जो मौसम है बारिश आने के संकेत दे रहा है. बादल हो चुके हैं और थोड़े टाइम में यहाँ पर बारिश आने वाली है. इट्स रेनिंग इन मलेशिया, थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है. ये देखिए ऊपर से बादल भी हो गए हैं और इस साइड से हो गया है थोड़ा बारिश का मौसम. और अभी ये परमानेंटली आई थिंक सो मुंबई की तरह ये पड़ेगी कंटिन्यूसली, तीन या चार घंटे तो पड़ेगी. है कि नहीं यार? हो रहा है, सीरियसली हो रहा है यार, नहीं हो रहा. सो हम लोग ट्विन टावर्स के बगल में हैं, ये ऊपर ट्विन टावर्स है और बारिश होगी है. यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं चलता कि कब होती है कब नहीं होती, मर्जी की मालिक है यहाँ की बारिश भाई, सीरियसली. सो मलेशिया आना है तो अपना अम्ब्रेला जरूर लेके आए साथ में, अम्ब्रेला और गर्मी के कपड़े, शॉर्ट्स स्पेशली. बहुत गर्मी है यार, सीरियसली बहुत गर्मी है. बट माहौल मुंबई जैसा है, मुंबई जैसा मौसम हो जाता है, गर्मी रहती है लेकिन बारिश आ जाती है. बट यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं, मुंबई में तो तीन चार महीने रहती है ना, यहाँ पे नहीं पता चलता. सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, मॉल से बाहर निकल चुके हैं तो अभी वापस जा रहे हैं अपने होटल को. कैब बुक की हुई है, कैब पहुँच गए हैं. सो टैक्सी को भी एक टैक्सी लिखते हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी को.